Students, today we are doing Standard 3rd Science Unit Number 4 and first part which is our amazing body. Our amazing body means body के हमारे अलग अलग parts होते हैं जो अलग अलग तरीके से system wise use होते हैं जो अलग अलग तरीके से work करते हैं और अगर वो work नहीं करेंगे तो हमारा body हमारा function हम जो खाते हैं digest करते हैं जो हम चलते हैं हमें जो एनर्जी मिलती है वो सब नहीं होगा ओके सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट के व्हाट इज हियर आई हैव रिटन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट वी विल गो वर्ड टू वर्ड यू कैन आल्सो ओपन योर टेक्स्ट नंबर टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस यूनिट 4 पेज नंबर 179 ओके आवर अमेजिंग बॉडी साथ करके एक लड़का था जो अपनी स्कूल में अर्जुन सर के पास लर्न करके आया था कि रॉबर्ट होता है वो हमारे घर के सारे काम करता है उसका फंक्शन और उसके थ्रू उसने बॉडी के सब फंक्शंस और सब दिखाना चालू किया और उसको उसके सर ने एक किट दी जो घर पे ले जाने के लिए और प्रैक्टिस के लिए उसको इस्तेमाल के लिए ले जाने के लिए परमिशन दी वो किट लेके जब घर पे गया तो उसने उसके ही वॉज वेरी ईगर टू टेल एवरीथिंग एंड गिव द एक्सप्लेनेशन उसे सब एक्सप्लेन करने के लिए बहुत उत्सुकता थी वो राह देख के बैठा था कि कब उसके डैड ऑफिस से घर आए और सबको एक साथ इकट्ठा करके वो पूरा एक्सप्लेनेशन दे ओके सो एज सून एज द फादर डैड रिटर्न फ्रॉम ऑफिस एवरीवन वाज ऑर्डर्ड टू असेंबल इन हिज बेडरूम असेंबल मींस एक साथ इकट्ठा करना आप लोग असेंबली लेते हो एक साथ प्रेयर करते हो राइट तो ये इसका मतलब एक साथ इकट्ठा होना डैड के बेडरूम में ओके इट टुक 30 मिनट्स टू असेंबल द रॉबर्ट वाज केप्ट एक्सप्लेनिंग एवरी स्टेप टू हिज फैमिली वो एक से एक बाय एक स्टेप समझा रहे था और उस दौरान रॉबर्ट सक्सेसफुली वर्क करने लगा उसने वो प्रैक्टिस की साथ नेम द रॉबर्ट ओवेस ओवेस एंड ही लुक एट with him and mom called her that in for dinner. वो सब explain कर रहा था उन दौरान उसकी मम्मी ने उसको खाने के लिए आवाज दी, right? Amina laid a plate for Ovais food and served the them began eating. उसने उसको plate serve करी और बोला आप भी खाओ Robert को बोला, right? लेकिन Robert खाने में से नहीं था वो एक मशीन था जो वर्किंग कैसे होता है वो हमें दिखाया था उसे खाना नहीं वो बैटरी से सेल से और इलेक्ट्रिक से चार्ज होके चलता था वो लाइव हमारी तरह लाइव नहीं था राइट सो साथ एंड अमीना वो वेरी अपसेट इट इज दैट डैड एक्सप्लेन सम वेरी बेसिक थिंग्स फिर उसने उसके पापा ने उसे समझाया कि ये एक मशीनरी वर्क है वो हमारी तरह जीता जाता इंसान नहीं है उसे उसके बेसिक को समझाने में आया है नो वी हैव टू पुट इट इन अवर माउथ हमें हाथ से खाना खाना पड़ता है हमें खाने वाला लेके हमारे मुंह तक जाना चाहिए पड़ता है जहाँ तक उसको ऐसी सब कोई नहीं वेल पुटिंग फूड इन योर माउथ सेटिस्फाई योर हंगर आपको जब भूख लगी होती है तो आप जब खाना खाते हो तब आपको सुकून मिलता है शांति मिलती है उसको आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब हमारी भूख खत्म हुई हमने खाना खा लिया हमें एनर्जी मिल गई हमें पीस मिलता है राइट नाउ वी हैव टू च्यू एंड स्वॉलन द फूड खाना मुंह में डालने के बाद सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं तो हम खाना चबाते हैं वी च्यू द फूड राइट वेल दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवेस एंड अस वो ओवेस एक मशीन रॉबर्ट का नाम दिया गया है तो उसमें और हम में ये फर्क दिखता है कि वो खाना चबाता नहीं है कुछ खाता नहीं और हम हैं तो हमें खाने की बहुत जरूरत मैंने पहले प्रीवियस लेसन में भी आप लोगों को समझाया था कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एयर एंड वाटर खाना हमारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी है ओवेस इज मैन मेड मशीन इट विल ओनली डू व्हाट इज प्रोग्राम टू ओवेस एक मशीन है रॉबर्ट है और वो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस हिसाब से सिर्फ चलेगा बाकी उसमें फीलिंग जैसा कुछ भी होगा नहीं उसमें कोई एक्शंस होंगे नहीं हम जो बोलेंगे वो उस टाइप से मशीन वर्क करेगा वो मैनमेड मशीन है इंसान का बनाया हुआ एक मशीन है राइट बॉडी अवर बॉडी सिमिलर टू अ मशीन हमारा बॉडी भी एक मशीन ही है मगर
something different, right? It is made of hundreds and different parts. हमारा body भी different parts से बना हुआ है. Each over tiny works in the functions of the part. Page on the page 180. Does the child sitting next to you look like you? अगर आप class में बैठे हो, right? तो क्लास में आप आजू बाजू में आपके आजू बाजू में जो कोई बैठा है आपके बाजू में आपके फ्रेंड्स है बॉय गर्ल व्होएवर इट इज आपके क्लास की स्ट्रेंथ होगी इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं आपके क्लास में क्या सब एक से लगते हैं नहीं सब एक से नहीं लगते सबका स्ट्रक्चर सबका बिहेवियर सबका वे ऑफ टॉकिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट डू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिब्लिंग लुक एग्जैक्टली अलाइक आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आपकी तरह लिखते हैं थोड़े बहुत लगते होंगे क्योंकि वो आपके भाई बहन हैं थोड़ा बहुत आसार आता होगा भाई बहनों में राइट मगर आजू बाजू में जो कोई वो नेबर्स है या फ्रेंड सर्कल दे डजंट लुक लाइक यू आजू बाजू वाले जो होते हैं नेबर्स होते हैं वो आपकी तरह नहीं दिखते हाँ आपके भाई बहन हैं तो वो थोड़े बहुत आपके जैसा उनका लुक आता होगा राइट We all look different, right? We all look different, right? Have different features, skin, colors, eyes, nose, body, shape. हमारा eyes है, body है, nose है, look है, shape है, सब सबसे अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, सबका same नहीं होगा. We family members will have some similarities though. हमारे family members जो होंगे उसकी similarities आपकी होंगी वो एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत similar लगते होंगे but our eyes, nose, our friend circle से our neighbor से उससे हमारा सब different लगता है right? No, two peoples look alike. Even every pair of identical twins who have seen some different features. अगर कोई ट्विंस बच्चा भी होगा तो भी उसकी एक आध बातें तो डिफरेंट होंगी ना होंगी बट डू यू नो नो मैटर हाउ डिफरेंट वी लुक वी हैव ऑल द सेम बॉडी पार्ट भले हम एक दूसरे के साथ अलग लगते हैं हमारा बॉडी शेप सब डिफरेंट डिफरेंट है मगर हमारी एक थिंग जो सिमिलर है वो बॉडी के पार्ट्स हमारे बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं वो सबके सेम होते हैं उसमें डिफरेंट नहीं होता है हाँ छोटे बड़े होते हैं सब होते हैं मगर जितने पार्ट आप में है उतने ही दूसरों में भी होते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है राइट व्हाट इज अवर बॉडी मेड अप ऑफ अ बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ वेरी लिटिल लिविंग यूनिट कॉल्ड सेल हमारे बॉडी है टाइनी लिटिल पार्ट्स है लिविंग यूनिट्स है जिसको सेल बोलते हैं सेल सेल यानी हम जो गड़ी में डालते हैं सेल वो सेल नहीं ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं जिससे हमारा बॉडी कंट्रोल में रहता है ब्रेन वर्क करता है सब तरह का वर्क्स होते हैं राइट एंड दिस द सेल आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी ये क्या बोला जाता है हमारे बॉडी के बिल्डिंग पार्ट्स है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी पार्ट है सब अंडर पावरफुल माइक्रोकॉन्स वो माइक्रोकॉन्स में दिखे जाते हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वो सब अलग अलग तरीके के सेल होते हैं राइट सेल्स आर सम टाइप ऑफ दैट दे डू द सेम जॉब कई सेल्स ऐसे होते हैं जो सेम जॉब करते हैं मींस सेम काम होता है उनका सब सेम काम चलता है वी आर ग्रुप टुगेदर इन फॉर्म ऑफ अ टिश्यू उसे क्या बोलते हैं जो सेम काम एक दूसरे का करते हैं उसे टिश्यू बोलते हैं For muscle cells contract and relax to cause movement. Muscles जो होता है वो relax and cause the movement part use करता है. These are group together from tissues and called muscles. Blood is a liquid tissue. Blood जो होता है उसे liquid tissue बोलते हैं. आप देखोगे आपको कहीं लगा होता है और अगर blood निकला तो वो कौन से form में होता है? Liquid form में होता है. So it is called liquid tissue. Nerves tissue carries the signals. Nerves जो होती है वो signals देती है और work कराती है. Bones is one of the strongest tissue in the body. Bones जो हमारे होते हैं वो strongest part होता है. कभी आपने सुना होगा कि कोई बच्चा गिर गया, उसका ankle break हो गया, उसके bone में fracture आया.
तो क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है जिससे हमारा सब वर्क बॉडी का पार्ट का उससे होता है. द इनर वन दैट कवर्स टीथ इन द हार्डेस्ट टिश्यू. हमारे मुंह में जो टीथ में एनिमल्स है वो हार्डेस्ट टिश्यूज होता है, वो मेन पार्ट होता है जो उसको सबको पकड़ के रखता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज जॉइन टूगेदर टू फॉर्म बॉडीज ऑर्गन. ये सब टिश्यूज एक साथ एक के साथ एक जुड़े हुए होते हैं हमारे बॉडी के फंक्शंस को, ऑर्गन्स को चलने के लिए. लंग्स, लिवर्स, किडनी, स्टमक, ब्रेन एंड ऑल ऑर्गन्स. अवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन. हमारा स्किन जो है वो लार्जेस्ट है. क्यों? क्योंकि वो पूरे सब ऑर्गन सब बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखता है. एंड ऑर्गन इज अ पार्ट दैट स्पेसिफाइज द जॉब. और सबको अलग अलग तरह का काम होता है, सब अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, तभी जाके हमारा बॉडी टोटली फंक्शन करता है, राइट? Our body has many different systems. हमारे बॉडी में बहुत सारी अलग अलग की सिस्टम्स होती है. The brain controls all the organs of the system of the body. जो हमारा ब्रेन होता है इससे हम सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाना है क्या करना है. हम मैथ्स का कैलकुलेशन करते हैं, हम लर्न करते हैं, और याद सब किस में रहता है? ब्रेन में रहता है, राइट? Can know there our body has many different parts. Now we can turn the page number 182. The skeletal system frame works for skeleton. Our body pura skeleton se bana hua hota hai. The skeleton supports the shape of the body. Wo hume body ka shape dete hai. Shape dete hai. They provides attachment and the point of the muscle. Wo muscles ke point se attach hota hai. और वो प्रोटेक्ट द डेलिकेट एंड इंटरनल ऑर्गन्स. हमारा जो अंदर के जो नाजुक नाजुक पार्ट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर नहीं दिखते, उसे कंट्रोल करता है, उसे पकड़ के रखता है और उसका वर्क और उसे अच्छे से कंट्रोल में रखता है. द स्कल्स प्रोटेक्ट द ब्रेन. ब्रेन पूरा हमारा होता है वो स्कल्स से ढका हुआ होता है, पूरा अच्छे से कवर होता है. द रिबेक is protected by the heart and the lungs. The bones and joints make the skeleton system. ये skeleton system होता है. The muscular system. The back tries sitting absolutely till the 2 minutes. Even then your body is moving. आप पूरे एकदम attention position में रहोगे फिर भी आपका body थोड़ा बहुत तो हिलेगा ही. क्यों? Every times you move your body either consciously और अनकॉन्शियसली. आप कुछ भी हो कैसे भी हो, आप अगर कितना भी अपने आप को एकदम कंट्रोल करके एकदम सीधे खड़े रहोगे ना तो भी आपका बॉडी थोड़ा बहुत तो मूवमेंट करेगा ही. क्यों? इवन नाउ योर आईज आर मूविंग, यू रीड दिस, यू आर यूजिंग योर मसल्स. द स्लाइटेस्ट मूवमेंट लाइक स्माइलिंग, ग्लोइंग, ब्लिंकिंग. आप सीधे एकदम खड़े रहो या सीधे एकदम बैठ हो, आपका थोड़ा बहुत बॉडी पार्ट तो मूव होगा. क्यों? आंखें पल के झपके ही आप देख सकते हो, वो भी मसल से काम चालू होता है. आप पढ़ सकते हो, आप पहले सीधे खड़े हो के बैठे हो, आप बोर्ड पे देख रहे हो, क्लास में बैठे हो तो बोर्ड आइस वॉक कर रही है, ये वॉकिंग चल रहा है, थोड़ा बहुत तो मस्कुलर वर्क करता ही है बॉडी में. कंप्लीटली आप स्टेबल नहीं हो सकते, अनकॉन्शियस हो कि कॉन्शियस हो, मीन्स आप लोग होश में हो या ना हो, सोए हो, आपका बॉडी तो चलता ही है, continuous working देता है. Next page, page number 183, the digestive system. You can see that no matter what kind of food we eat, the journey of the food from the moment we put into our mouth. हम जो भी खाते हैं वो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे मुंह में डालते हैं. Then till it passes out of the body is the same the food that we eat cannot be used by body just as it is. जो खाना हम खाते हैं वही पार्ट पूरे बॉडी में नहीं जाता है, वो अच्छे से च्यू होता है, सलीवा में मिक्स होता है. सलीवा मीन्स हमारे मुंह में जो पानी का पार्ट होता है उसमें मिक्स होकर ठीक होता है. देन इट ब्रेक्स नीड्स टू बी ब्रोकन इनटू सिंपल सॉल्युबल एंड देन इट पास इन द सेल्स थ्रू आउट, राइट? ब्रेकिंग डाउन द प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन. फिर वो फूड का ब्रेक होता है और फिर वो डाइजेशन में जाता है और फिर उसमें से
ब्लड बनता है और फिर अनवेस्टेड फूड निकल जाता है, अनवेस्टेड सब बाहर आ जाता है। वी टेक द फूड थ्रू आवर माउथ, टीथ, फियर एंड ग्राइंड द फूड विद द हेल्प ऑफ सलीवा। जैसे मैंने बताया, आप देख सकते हो वन पेज नंबर 183 पे उसमें एक पिक्चर दिया है, उसमें माउथ में हम फूड ले रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो टीथ से उसको तोड़ के च्यू करके सलीवा के साथ, सलीवा यानी जो मुंह में जो थूक और वो सब होता है, वाटर पार्ट्स होता है, उससे मिक्स करके पार्ट होता है और फिर ये बाजू ओसिफोंग्स कैरीज द फूड टू द स्टमक, फिर वहां से वो पूरा सिस्टम खत्म होने के बाद स्टमक में जाता है और स्टमक फ्रॉम्स द फूड एंड मिक्स इट इनटू ब्रेसिक जूस, फिर वो उसे जूस पार्ट में कन्वर्ट करता है और थिक लिक्विड पार्ट हो जाता है एंड देन इट गोज टू लिवर एंड पैनक्रियास एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हो दोनों तरफ, एक तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, एक तरफ लार्ज इंटेस्टाइन होगा और वो पूरा फिनिश ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है और फिर वो दोनों तरफ से वो फूड रिचेस टू हियर विद वाटर एंड सम मिनरल्स एंड एब्जॉर्ब इन द ब्लड and then the rest of the passes off to the body and which is called the waste of the passes of the body, फिर हम वो waste part body में से फिर digestion complete होने के बाद निकलता है, right? Now page number 184, the breathing system. Do you recall why Kunal's mother scolded him when he covered his face while sleeping? कई बच्चों को आदत होती है सोने के टाइम पे पूरा सिर से पूरी चद्दर मुंह पे ढक के सोने की, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। कीप द लेफ्ट हैंड ऑन द चेस्ट एज यू रीड दिस, डू यू नोटिस एनीथिंग, डज योर चेस्ट मूव अप एंड डाउन? यस, आपको आपके चेस्ट पे आप अपना हाथ रख के सो आपको पता चलेगा वो अप एंड डाउन होगा, क्यों? क्योंकि वो ब्रीदिंग हो रहा है। दिस हैपेंस बिकॉज वी आर ब्रीदिंग ऑल द टाइम, हमारा हार्ट कॉन्स्टेंट चालू रहता है, हार्ट हम सोए हैं, चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा हार्ट का पंपिंग ऑलवेज चालू होता है, क्यों? क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं और ये जब अगर हार्ट बंद हो गया मीन्स मैनेज डाइट मीन्स इट कॉन्स्टेंट मैंने स्लीपिंग और एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी आप कोई भी काम कर रहे हो आपका हार्ट तो वर्क कर ही रहा है, राइट? द लंग्स एक्सपांड व्हेन फिल्ड विद एयर, हियर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट? नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम्स हेल्प इन व्हेन यू आर हियर अ स्पीडिंग कार, इयर्स आपके इयर्स जो है नोज है वो आपको एहसास दिलाते हैं, उसको पता चलता है कि कौन सी चीज आ रही है, स्पीड में आ रही है, स्लो आ रही है, उस बात का आपको पता चलता है, राइट? नाउ पेज नंबर 186, राइट? Our nose is the smaller smell detector. आप nose से smell करते हो, आपको पता चलता है कौन सी अच्छी खुशबू है, कौन सी खराब खुशबू है, वो सब आपको nose से पता चलता है। फिर tongue है, तो tongue आपका taste detector है। Taste detector में आपको पता चलता है कि taste sour है, bitter है, तूरा है, खट्टा है, मीठा है, वो सब आपको किससे पता चलता है? Tongue से पता चलता है, right? बॉडी के हर एक पार्ट स्टूडेंट्स जो भी पार्ट है वो कुछ ना कुछ फंक्शंस करते ही रहते हैं जिससे हमें पता चलता है। दिस सेंस ऑर्गन एक्ट लाइक अवर विंडो टू द वर्ल्ड, वो एक विंडो की तरह हमारे लिए वर्क करते हैं। इट इफ एनी ऑफ दिस ऑर्गन्स गेट डैमेज वी स्टॉप गेटिंग मैसेजेस, अगर ये पार्ट जो हमारे बॉडी पार्ट में से जो भी छोटे छोटे पार्ट्स भी है वो अगर काम करना बंद कर दे तो हमें पता चलता कम हो जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा कौन सी चीज अच्छी है, बुरी है, खट्टी है, तिक्खी है, टंकी है, कुछ भी जो पार्ट हमारे है वो काम करना डैमेज हो जाएगा तो हमें पता चलना कम हो जाएगा, राइट? सर्कुलेटरी सिस्टम, द पंप वर्क्स ओनली व्हेन वी पुश, इट विल नॉट पंप एयर इनटू द टाइप ऑफ इट्स ओन, द पंप जो वर्क करता है वो नॉन स्टॉप ऑन इट्स ओन करता है। जैसे मैंने आपको है कि हमारा हार्ट जो है वो कांस्टेंट पंपिंग होता है, उसके पास ब्लड इट बिकॉज वी आर वर्किंग वी आर नॉट डाइंग। जैसे मैंने आपको सब बताया कि हमारा हार्ट पूरा दिन वर्किंग करता है, हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
हम कुछ भी एक्टिविटी लाइफ में करते हैं, कहां भी हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, खेलते हैं, व्हाटएवर इट इज, आवर हार्ट इज कांस्टेंट वर्किंग, राइट? द हार्ट इज अ स्ट्रांग फिस्ट साइज मसल. आपकी जो मुट्ठी आप बंद करोगे, एक साइज का आपका हार्ट होगा, जिसकी जितनी साइज होगी उतना सबका छोटा बड़ा होगा, मगर हार्ट इज द कांस्टेंट वर्किंग थिंग इन द बॉडी, राइट? इट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी non-stop, right from the time of our birth to the death. बताया था मैंने आपको कि हमारा body जो है वो blood, वो heart through blood पहुँचते हैं और वो continue working करते हैं जहाँ जब से हम जन्म लेते हैं कि हम मरते हैं तब तक, right? Blood is our body transport system. Revolves in all part of the and it has a blood vessels, right? So now excretory system. What is it? Every morning you get up and go to the toilet. बराबर? आप लोग सुबह उठते के साथ फ्रेश अप होने के लिए क्या करते हो? पहले वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट में जाते हो. You brush your teeth, have a bath and go to school. And what if for 2 days you are unable to go to toilet? अगर आप लोग कभी constipation हुआ, means आपको अगर 2 दिन आप टॉयलेट नहीं गए तो आपको क्या होगा? You will have pain in your stomach. Your food is not digest properly. You do not throw the waste outside. जो गंदा पार्ट और जो वो अंदर पेट खराब होता है, होता है ना कई बार बच्चों को कुछ भी ऐसी फालतू चीजें खाने से, या कभी आप वॉशरूम नहीं गए हो तो आपको पेट में दर्द होने लगता है. This is because of the digestion of food आपका बराबर नहीं होता है उस वजह से. So kidney and bean shape organ which clean our blood. Kidney होती है वो हमारा blood प्योर करने का काम करती है, ओके? So now here are the some points which I have written on the board, which is important just to keep it mind, okay? ध्यान में रखने के लिए. Human body is an amazing machine. Body जो होता है वो हमारा एक machine type का होता है, इसमें अलग अलग तरह के parts और body होते हैं जो work करते हैं. जो नहीं work करेंगे तो हमें एहसास नहीं होगा कि हमने कौन सी चीज खाई, कैसा टेस्ट है, कहाँ से चिव किया. छोटे पार्ट भी है मगर वो बहुत जरूरी है. इट इज मेड अप ऑफ टाइनी लिविंग यूनिट कॉल्ड सेल. हमारे बॉडी में छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो सेल के हिसाब से जाने जाते हैं. एवरी सिस्टम हैज स्पेसिफिक वर्क. सबकी अलग अलग सिस्टम्स होती है स्पेसिफिक वर्क करने की. द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन मूविंग अवर बॉडी पार्ट. मस्क्यूलर सिस्टम जो होती है वो बॉडी पार्ट को मूव करने में हेल्प करती है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स एयर इन टू द लंग्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या काम होता है कि वो एयर लंग्स में लेते हैं. द नर्व सिस्टम्स मेक द ब्रेन एंड द स्पिनल कॉर्ड एंड द नर्व्स इन द बॉडी टू कंट्रोल. वो बॉडी को पूरे कंट्रोल में रखता है. हमारा ब्रेन भी है जो पता चलता है कि हमें क्या करना है, सही है, गलत है. यानी इन शॉर्ट टू टेल यू कि बॉडी जो हमारा है, अमेजिंग बॉडी हमारा जो है, उसमें जो भी पार्ट्स है वो सब हमारे लिए यूजफुल है. अगर वो छोटे हैं, बड़े हैं, टाइनी है, लार्ज है, जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और जो वो वर्क करेगा वो हमारे लिए यूजफुल रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट 1 पार्ट 1, यूनिट 4 पार्ट 1, अमेजिंग बॉडी. If you have any type of doubts or queries, you can call me anytime. Okay, thank you.